शिवम त्यागी, ये सीधे सीधे जिस तरीके का आरोप है इस पूरे मामले पर, बीजेपी पर सवाल उठाया जा रहा है सरकार पर, और ये कहा जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है तो परेशान कर रही है सीबीआई, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। पहला लॉजिक 90s में जो लालू जी ने घोटाला किया था 963 करोड़ रुपए का था, अप्रोक्सीमेटली आज की वैल्यू से अगर मैं बात करूं तो 7,500 करोड़ का। अरविंद केजरीवाल लोगों में जाकर ये कह रहे हैं कि उसके यहाँ कुछ तो मिलना चाहिए था, 1-2 करोड़ रुपए तो मिलना चाहिए था। तो लालू यादव जी के लॉकर में कोई चारा मिला था क्या? मतलब इस बात में कोई तर्क भी है क्या कि 1-2 करोड़ तो मिलना चाहिए था? अरे भैया, किकबैक से जहां चुनाव लड़ना था, जैसे फायदा लेना था वैसा ले लिया। दूसरी बात, मेरा निवेदन भी है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि भैया क्यों अपने शिक्षा मंत्री को टॉर्चर करा रहे हो, कह दो ना उनसे कि जो भी किया है उसको एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसके बाद तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं जेल भी अपनी है, जेल में मजे हैं, और अच्छी बात यह है कि वो भी अपने ही अंडर आती है, तो जल्दी से अपना फारिग करके जो है जेल जाइए, जेल तो आपकी अपनी है ही, वहां तो मजे है ही, वहां तो मालिश है ही, वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब तीसरी बात पर आते हैं, इन्होंने जो कहा कि हमारे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है, शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, शिक्षा में क्रांति ला दी। भैया, शिक्षा में क्रांति दिल्ली वालों के ही पैसे से लाई है, और दिल्ली वालों को ही पैसा है, और एक शिक्षा मंत्री का काम शिक्षा करना है, लेकिन अभी वो फिलहाल शिक्षा घोटाले में नहीं गए हैं, वो गए हैं शराब घोटाले में। शराब की पॉलिसी पर आपसे बात होती है, उनका ही आरोप है, उनका ही आरोप है क्योंकि हम उस दिशा में बेहतर कर रहे हैं, तो लोगों को ये मॉडल समझ ना आ जाए। नेता पर हाथ रख के उनसे चार सवाल पूछ लीजिए, 2800 करोड़ रुपए का राजस्व का घोटाला क्यों किया, लेकिन उससे पहले एक्साइज पॉलिसी में 5% से 12% क्यों पहुंचे, बस सीधा सा सवाल। अलका लांबा का मैं रुख कर लूं, अलका लांबा आप हमारे साथ यहां पर हैं, आपको क्या लगता है और कांग्रेस का स्टैंड इस पूरे मामले में क्या है? देखिए, क्योंकि जो ये पूरी तस्वीर बनकर और उभर कर आ रही है, इसका सीधा सीधा तो मायना यही है कि ये जमीन तैयार हो रही है 2024 के लिए। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की 2015 से 20 तक विधायक रही, इसलिए भ्रष्टाचार की लड़ाई को लड़कर जो आए थे उन्हें समझौते करते हुए बहुत करीब से देखा, इसलिए उनको छोड़ा। आज फिर मैं बता रही हूँ, इसे राजनीति से हटा दीजिए, पूरी तरह से कानूनी एक भ्रष्टाचार का मामला देखिए। बीच कोरोना महामारी में दिल्ली की केजरीवाल सरकार शराब नीति लेकर आती है, जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो शराब बेच रही थी, उसके बाद हम सबको ये महसूस हुआ कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, पैसे का लेन देन है, और मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर LG साहब CBI की जांच बिठाते, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। CBI की जांच और 8 घंटे की पूछताछ में ये चीजें निकल कर आने लग जाती हैं कि इसके तार आंध्र प्रदेश की पार्टियां से, पंजाब से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कोई राहत नहीं मिलती है, आज CBI कोर्ट में जाते हैं और CBI कोर्ट भी रिमांड को जारी रखती है और बेल देने से मना करके 10 मार्च तक इंतजार करने को कहती है। बेल का आधार क्या था? हमने भ्रष्टाचार नहीं किया ये नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे कि मेरी बीवी, मेरी धर्म पत्नी बीमार है, इसलिए दे दीजिए। जब जज साहब ने नहीं माना तो बोला चलिए होली का त्योहार 8 तारीख को आ रहा है, मुझे होली मनाने दीजिए, नोको वापस आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी गंभीरता है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को बिल्कुल मालूम है भ्रष्टाचार हुआ। सत्येंद्र जैन जी के लिए 9 महीने इंतजार किया, उनका इस्तीफा नहीं लिया, लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में 9 घंटे भी इंतजार नहीं किया, उनका उप मुख्यमंत्री और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, क्योंकि पता है मनीष सिसोदिया लंबे नापे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल, मुझे यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी पता है कि वो इस वक्त कितने पानी है। मैं आपके पास आती हूँ, इस बीच असद अब्बास कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद रामकृपाल आपके पास आती हूँ। सर असद अब्बास, देखिए, हकीकत छुप नहीं सकती छुपाने से, महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। आम आदमी पार्टी, और अगर आप भाजपा को देखें तो आज भाजपा बौखला गई है, डर चुकी है आम आदमी पार्टी से, क्योंकि 10 साल के अंदर 3 बार दिल्ली जीती है, और ये दिल्ली सिर्फ दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की भी दिल्ली है, और इसीलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सरकार को वोट दिया। सिर्फ दिल्ली नहीं, पंजाब और गुजरात के साथ नेशनल पार्टी भी हो चुकी है। इसी के साथ जो मोदी जी कह रहे थे कि कट्टर ईमानदार लोगों से डरो या कट्टर ईमानदार लोगों से बच के रहो, जी हाँ बिल्कुल मोदी जी, आपको और आपके जो भ्रष्ट जो दोस्त है अदानी जैसे डरना चाहिए कट्टर ईमानदार लोगों से। और एक बात बता दूं, ये CBI IT जो तोते के पिंजरे हैं सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए है क्या?
विंदु अधिकारी का नारदा स्कैम कुछ नहीं होता, हिमांत बिस्व शर्मा का ब्राइबरी स्कैम कुछ नहीं होता, येडियुरप्पा का माइनिंग स्कैम कुछ नहीं होता, जनार्दन रेड्डी का माइनिंग स्कैम कुछ नहीं होता, भावना गाली शिंदे सेना के तमाम जो मेरे पास एक लिस्ट है इन पर कुछ नहीं होता। लेकिन असद अब्बास, अगर उन मामलों में कार्रवाई नहीं हो रही तो आप चाह रहे हैं कि इस मामले में भी कार्रवाई ना हो, ये कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में समाप्त, बोलिए बोलिए। किरण जी 10 सेकंड में खत्म करा जी, थैंक यू। किरण जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भाजपा के जो तमाम लीडर्स है उन पे कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए। आज भाजपा एक वॉशिंग पाउडर निर्मा हो चुकी है, वॉशिंग मशीन हो चुकी है, भ्रष्ट नेता को अंदर डालो और सफेद दूध जैसे धुले हुए नेता बाहर। मैं शिवम एक सेकंड मुझे दीजिएगा, रामकृपाल जी भी हमारे साथ है, एक रिएक्शन उनका ले लू फिर मैं फौरन आपके पास आती हूँ। रामकृपाल सिंह जी, आपको क्या समझ आ रहा है सर, ये जो सीबीआई का शोर और इस बीच तरह तरह के बयानों के तीर जो चलाए जा रहे हैं, क्या ये 2024 से पहले की पटकथा आप देख रहे हैं या क्या समझ पा रहे हैं आप इसको? देखिए, इसको 2024 की पटकथा कहना बड़ा सरलीकरण हो। आप याद कीजिए, जब हिमाचल में चुनाव हो रहे थे, सत्येंद्र जैन जी पर शिकंजा कसा था, तब भी आप पार्टी ने आरोप लगाया था कि हिमाचल में हम स्वीप करने जा रहे हैं, और सत्येंद्र जी चूंकि वहां के ये चुनाव मुखिया बनाए गए थे इसलिए बीजेपी डर गई है, इसलिए हो रहा है। फिर गुजरात का हुआ, गुजरात में भी यही चला कि आप इतनी लोकप्रिय है कि वहां सरकार बनाने जा रही है इसलिए ये हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, ये कभी भी होगा, राजनीति की बात चलती रहेगी। इस देश में चुनाव कहीं ना कहीं हमेशा होते रहते हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव होगा तो कहेंगे कर्नाटक में सीट करने जा रहे थे इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि आप पार्टी एक वैकल्पिक राजनीति देश को देने के नाम पर आई थी। जो पार्टी पूरी सत्ता के चरित्र को बदलने के लिए आई थी, अगर उस पार्टी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये उस पार्टी के हित में है कि वो कम से कम अदालत से बेदाग होके निकले। और अगर आज की सत्तारूढ़ पार्टी नाजायज परेशान कर रही है तो बहुत अच्छा है, वो अलोकप्रिय होगी। आप लोकप्रिय होंगे, आपको एक और मौका मिलेगा भारत में वैकल्पिक राजनीति लाने का। तो मेरा इतना ही कहना है कि नैतिकता और नियम दोनों का तकाजा है कि आप पार्टी अदालत को फेस करें, अदालत के बाहर फैसले न सुनाए जाएं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो जमीन तैयार करके आप लोगों के बीच आए थे, अब उसमें जो ये डेंट है, जो दाग लगा है, इसे अदालत धोए और उसके बाद फिर आप पाक साफ होकर बाहर आए तो बेहतर होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।